मैं दमन बाबू मेरे लिए औरत दुनिया की सबसे हसीन वस्तु मैं कभी और कभी को औरत का हुस्न और शबाब का जिक्र ही प्रसन्न कर देती। मैंने जब से अपना होश संभाला कभी से उस औरत का तसव्वुर करना शुरू कर दिया था जो मेरे दिल की रानी हो। उसमें सुबह की ताजगी फूलों की नजाकत कुंदन की चमक बसंत की खुशी कोयल की आवाज और एक शायर को यानी कि मुझे रिझाने वाली वो सारी खूबियां होंगी। मैं अपने दोस्तों से उसी की चर्चा करता रहता और उसी के ख्यालों में मस्त रहता और आखिरकार वो दिन आ गया जब मेरे दिल की आंसुएं हरे हरे पत्तों की तरह लहराने लगी। मेरे कॉलेज का वो आखिरी इम्तिहान भी खत्म हो गया और मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे और मेरा रिश्ता तय हो गया। मेरी शादी तय हो गई और मेरी शादी तय करवाई मेरे प्यारे मामू ने। मामू मेरे में शादी करो तो ना करवाना मत तेरी शादी करवाता हूँ। मामू मामू अरे मामू अरे मामू अरे कहाँ मैंने करा चल रहा मामू इधर आओ मामू मामू ये बताओ मेरी बेगम कहती है अभी ना अरे फिर कभी मामू बताओ ना मामू ये बताओ अच्छा दिखने में कहती है तुमको बताता
वह ईश्वर क्या मुंह बनाया है, क्या नाक है, क्या आंख है, क्या कान है? हो गया है।
क्योंकि यह भी निकल आई है कि नीचे खेत भी पड़ रहे हैं ताकि मैं पहले से ज्यादा साफ सुथरा रहता हूँ, रोज कपड़े बदलता हूँ, रोज दाढ़ी बनाता हूँ, तब फिर भी चेहरे पर वो रौनक और बहुत सुखी दिख रहे हैं। इधर हफ्तों से नहीं आए, आज उन्हें देखने को बहुत जी चाह रहा है, हालांकि वो नहीं आएंगे, फिर भी बुलावा भिजवाया है। आप तो इससे भी ज्यादा भूल गए हैं, क्या बीमार है? जिंदा रहने की फिक्र ना करने से भी कोई इतना दुबला नहीं होता, अब अपने लिए कोई दवा क्यों नहीं करवाते? मेरी दवा? मेरी मौत करेगी? मैं जलाने के लिए नहीं कहता, खुदा गवाह है तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे एक खौफनाक बीमारी के आसार नजर आ रहे हैं और डॉक्टरों की भी यही राय है।
पहले उनकी बीमारी ठीक होने के लिए बहुत मेहनत की मांगी थी। आज उसी का जश्न था। अरे भाई तुम तो खामखा परेशान, ये तो इनकी बीवी है।